हेलो दोस्तों, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सैमसंग की तरफ से M10 लॉन्च हुआ, M20 लॉन्च हुआ, लेकिन M30 स्मार्टफोन का पूरा लीक स्पेसिफिकेशन सामने आ चुका है। दोस्तों, हम आज कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का M30 स्मार्टफोन के साथ रेडमी का Note 7 स्मार्टफोन को, और मैं आपको बताने वाला हूँ ये दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन को वेट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। M30 भी कंफर्म हो चुका है कि लॉन्च होगा और Redmi का Note 7 भी लॉन्च होगा। दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप लाइक आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आपको जो सैमसंग का जो M30 स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें आपको 6.38 इंच का आपको 90:9 का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और जो Redmi का Note 7 स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें आपको 6.3 इंच का आपको फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा Redmi का Note 7 में, और सैमसंग का M30 स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सैमसंग का जो M30 स्मार्टफोन है, डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में आगे जाने वाला है, लेकिन चिपसेट के डिपार्टमेंट में बाजी पलट जाएगा। जो सैमसंग का जो M30 स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें आपको एक्जिनोस का 7904 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो एक 14 नैनोमीटर का चिपसेट है। लेकिन जो रेडमी का जो नोट 7 स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक्जिनोस का 7904 से तो स्नैपड्रैगन का 660 बेटर ही है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सैमसंग का जो M30 स्मार्टफोन है, इसमें आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, लेकिन जो Redmi का जो Note 7 स्मार्टफोन है, इसमें आपको 4000mAh का Qualcomm फास्ट चार्ज 4.0 के साथ स्मार्टफोन आएगा। मतलब बैटरी डिपार्टमेंट में सैमसंग का M30 थोड़ा आगे जाएगा, हालांकि जो Redmi का जो Note 7 स्मार्टफोन है, ये भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप जरूर देगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको Type-C का पोर्ट मिलेगा, और आपको Redmi का Note 7 में आपको पीछे के साइड आपको ग्लास मिलेगा, जबकि आपको सैमसंग का M30 में आपको पीछे के साइड आपको पॉलीकार्बोनेट बैक फिनिशिंग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों में 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिलेगा, लेकिन आपको सैमसंग का जो M30 स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें आपको डेडिकेटेड आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैमरे के बारे में बात करें तो जो सैमसंग का जो M30 स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें आपको ट्रिपल आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा, 13+5+5, मतलब ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट के साथ आपको 16MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा सैमसंग का M30 में। मतलब कहीं ना कहीं F1.9 एपिचर के साथ आएगा, कैमरा अच्छा होने वाला है। लेकिन जो Redmi का जो Note 7 स्मार्टफोन में, ये भी बहुत ही तगड़ा कैमरा के साथ आएगा, सैमसंग की तरफ से GM1 सेंसर, जो एक 48MP का सेंसर है, हालांकि ट्रूली 48MP नहीं है, 12MP का सेंसर है, लेकिन 1.6 माइक्रोन पिक्सल के साथ आता है। मतलब यहाँ पर आपको जो 48+5MP का कैमरा मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर आपको Redmi का Note 7 का कैमरा ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 4K का रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि सैमसंग का M30 में आपको EIS मिलेगा, जबकि आपको जो Redmi का Note 7 स्मार्टफोन में आपको EIS भी देखने को मिल जाएगा। मतलब अच्छी बात है कि Redmi का Note 7 स्मार्टफोन में आपको EIS भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको सैमसंग में 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जबकि Redmi का Note 7 स्मार्टफोन में आपको 13MP का कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं मेरा कंक्लूजन के ऊपर कि मैं क्या सोचता हूँ दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा खरीदना चाहिए। दोस्तों, दोनों में आपको Type-C मिलता है, दोनों में फास्ट चार्जिंग मिलता है, हालांकि 1000mAh का बैटरी ज़्यादा मिलता है सैमसंग का M30 में, लेकिन चिपसेट Redmi Note 7 में बेटर मिलता है। Redmi Note 7 में आपको ग्लास मिलता है, जबकि M30 में आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है, और कहीं ना कहीं 660 एक बेटर चिपसेट है Exynos का 7904 से। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो, हालांकि डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले है, अगर आप एक वो डिस्प्ले प्रेफर है तो सैमसंग का M30 की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन की बात करूं तो मैं MIUI का जो यूजर इंटरफेस है ज़्यादा प्रेफर करूंगा। सैमसंग का एक्सपीरियंस UI के हिसाब से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो MIUI में ज़्यादा प्रेफर करूंगा। इसलिए मैं अगर आपके जगह होता तो Redmi का Note 7 स्मार्टफोन तकरीबन 12,000-14,000 के आसपास आएगा, और जो सैमसंग का जो M30 तकरीबन 17,000-18,000 के आसपास आएगा। तो मैं Redmi Note 7 स्मार्टफोन को जरूर प्रेफर करता। आप कौन से स्मार्टफोन को प्रेफर करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।